दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको अपनी एंड्रॉयड ऐप को कनेक्ट करना है SQLite डेटाबेस से तो वो आप कैसे करेंगे एंड इसके अलावा डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें कि एम्प्टी एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट की है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जिस जावा फोल्डर में मेन एक्टिविटी क्लास है हमारे पास, उसी फोल्डर में हम लोग बनाएंगे एक और जावा क्लास जिसमें कि हम SQLite से कनेक्टिविटी वाला कोड लिखेंगे। सो गाइज, न्यू ईयर इज़ हियर एंड इट्स टाइम टू गेट वर्किंग ऑन योर 2021 प्रोग्रामिंग गोल्स। सो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक न्यू बैच फॉर C++ जो कि है इंटरमीडिएट कोडर्स के लिए। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखें तो आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन क्या कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर न्यू है वो देख सकते हैं यहाँ पर फ्री क्लासेस जो कि यहाँ पर बिगनर, एडवांस एंड इंटरमीडिएट तीनों के लिए अलग अलग बनाई गई हैं। बिगनर में अगर आप देखें तो कुछ बेसिक टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं, इसी तरीके से फॉर एडवांस लेवल। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से टॉपिक्स जो आपके हैं वो कवर किए गए हैं फॉर बिगनर, एडवांस एंड इंटरमीडिएट लेवल। सो इनको, ये जो यहाँ पर फ्री क्लासेस हैं, इनको आप एज ए टेस्ट ड्राइव कंसीडर कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगी एक कोर्स को कमिट करने के लिए जो कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट लगता है। ये आपको बहुत, ये जो कोर्सेज हैं आपको हेल्प करेंगे आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में। सो अगर आप ये फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आपको जस्ट क्या करना है, वॉच नाउ पर आपको क्लिक करना है। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर आप वॉच नाउ पर अगेन क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको अपना नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड स्टेट एंटर करनी है, उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। सो ये देखिए OTP मेरा वेरीफाई हो गया है, कंफर्म योर मेल, तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके पास उस मेल पर एक OTP आएगा अगेन, उसको आपको एंटर करना है यहाँ पर। अब देखिए मैं वॉच नाउ पर यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आपसे पूछेगा वो एक इनवाइट कोड, तो आपको यहाँ पर इनवाइट कोड एंटर करना है मेरा। आपको लिखना है दीपाली इलेवन। तो आपकी ये जो यहाँ पर फ्री क्लासेस हैं वो सब अनलॉक हो जाएंगी। अब आप जितनी भी फ्री क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो इन क्लासेस का तो आपको वहाँ पर भी दीपाली इलेवन कोड यूज़ करना है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि SQLite एक ओपन सोर्स हमारे पास डेटाबेस है, उसके लिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। आपको जस्ट क्या करना है कि हमें जस्ट कनेक्टिविटी का कोड यहाँ पर लिखना है और ये जो SQLite डेटाबेस होता है वो आपके फ़ोन का, फ़ोन में अगर आप जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हो तो वो फ़ोन की मेमोरी ले लेगा, लैपटॉप में करते हो तो वो लैपटॉप की मेमोरी ले लेगा, ओके। सो इसके लिए हमें कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो भी रहेगा जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे अपने एंड्रॉयड ऐप की, तो यही रहेगा जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमने क्या किया, जहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास है वहीं पर हमने एक और जावा क्लास बनाई है। तो ये जो जावा क्लास है ये यहाँ पर मैं कोड लिखूँगी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो हम उसी से मिलता जुलता कुछ नाम रख लेते हैं, बाकी आपका, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखते हो। तो जैसे मैंने लिखा डेटाबेस, मैंने नाम यहाँ पर रख लिया, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट की है। तो ये वाली जो क्लास है वो एक्सटेंड करेगी एक कौन सी दूसरी क्लास को, SQLite ओपन हेल्पर, ये हमारे पास इस क्लास का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए रेड लाइन है यहाँ पर, तो कुछ ओवरराइड मेथड्स यहाँ पर आएंगे, शो कॉन्टेस्ट एक्शंस कीजिए इंप्लीमेंट मेथड्स। तो यहाँ पर ये दो मेथड्स रहेंगे, क्रिएट एंड ऑन क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड, तो इन दोनों को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अभी देखते हैं इनका कोड क्या लिखा जाएगा, बट अभी देखिए यहाँ पर अभी भी रेड लाइन है। तो शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन करेंगे, तो इस क्लास के लिए, डेटाबेस क्लास के लिए इसको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, ओके। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड फंक्शन है। ऑन अपग्रेड फंक्शन का भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें जस्ट क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें एक टेबल क्रिएट करनी है, बाकी अभी हम लोग नहीं करेंगे कुछ और का, ठीक है। इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है डेटा का, ये सब हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे, अभी सिर्फ हमें क्रिएट करना है डेटाबेस। तो उसके लिए ऑन अपग्रेड फंक्शन का हमें यूज़ नहीं करना है, हम लोग यूज़ करेंगे ऑन क्रिएट फंक्शन का
और दूसरा हम लोग करेंगे इस कंस्ट्रक्टर का यूज़। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमें डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट स्टैटिक, फाइनल टाइप का हम लेंगे और स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं। यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया डीबी नेम, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। और यहाँ पर अब आपको मेंशन करना है कि आपको डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो लेट सपोज मुझे नाम रखना है, हम लोग अभी आगे जो काम करेंगे हम करेंगे साइन अप फॉर्म पे और लॉगिन फॉर्म पर काम। तो साइन अप हम रख लेते हैं, साइन अप डॉट डी। तो ये लाइन मैंने जस्ट किस लिए लिखी है कि हमें डेटाबेस का नाम क्या रखना है, वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें जो आगे वाले ये पैरामीटर है, कॉन्टेक्स्ट के आगे जो वाले पैरामीटर्स हैं इनका यूज़ अभी नहीं है हमारे पास, तो हम इनको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज देंगे, तो फर्स्ट तो पैरामीटर इसने यही कॉन्टेक्स्ट वाला लिया है, सेकंड हमें यहाँ पर देना है डेटाबेस का नेम, तो वो हमने किस वेरिएबल में लिया है, हमने लिया है डीबी नेम में। थर्ड हमारे पास पैरामीटर है फैक्ट्री, फैक्ट्री को अभी हम रख देते हैं नल, और डेटाबेस का वर्जन क्या है, अभी फर्स्ट वर्जन है। तो ये आ गया हमारे पास डेटाबेस कंस्ट्रक्टर, जो डेटाबेस क्लास आपने बनाई थी उसके कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ये कोड रही। अब बात आती है यहाँ पर ऑन क्रिएट फंक्शन की। तो यहाँ पर अब हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी, कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो देखो हम यहाँ पर एक क्वेरी देते हैं स्ट्रिंग, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं क्यू इज इक्वल्स टू क्रिएट टेबल, टेबल का एक नाम ले लेते हैं, इसको हम लेके चलेंगे विद इन डबल कोट क्रिएट टेबल। तो हम साइन अप का डेटा यहाँ पर बना रहे हैं, जो टेबल डेटाबेस बना रहे हैं साइन अप का पूरा पूरा यहाँ पर डेटा रहेगा, तो हम टेबल का नाम रख लेते हैं कि यूज़र्स कौन कौन रहेंगे, ठीक है। तो हमने यूज़र्स के नाम से एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो अब बात आती है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हमारे पास रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं एक आईडी, और हम इसको चाहते हैं ये इंटीजर टाइप की रहे, इंटीजर। इसके अलावा ये हमारे पास प्राइमरी की भी रहनी चाहिए और ऑटो इंक्रीमेंटेड भी होनी चाहिए। फॉर्म सेकेंड हम कॉलम चाहते हैं कि यूज़र का नेम आए और टाइप उसका रहे टेक्स्ट। सेकेंड हम चाहते हैं कि उसका यूज़र नेम आए जिसका टाइप भी क्या रहे टेक्स्ट। थर्ड हम चाहते हैं कि पासवर्ड रहे, पासवर्ड का टाइप भी हम लोग चाहते हैं क्या रहे टेक्स्ट। और इसके अलावा आपको जो भी फील्ड देना है, जैसे हम ले सकते हैं क्या, और इसके अलावा चलो इतने ही रहने देते हैं, थ्री फील्ड्स हम लोग रहने देते हैं, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, डबल क्लोज और सेमीकोलन। और यहाँ पर एक सिंपल सी एक क्वेरी हो गई है जो कि टेबल को क्रिएट करेगी। और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारे पास एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर पास करेंगे क्यू, जो हमारे पास जो क्वेरी का डेटा आएगा वो आएगा क्यू में। और इसके अलावा ये एसक्यूएल डेटाबेस का जो पैरामीटर है, कंट्रोल सी कर लेती हूँ मैं इसे यहाँ पर, कंट्रोल वी डॉट। तो ये हमारे पास, ये यहाँ पर कुछ एरर है, प्राइमरी की के बीच में स्पेस नहीं था। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड आ गया है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। अब हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कहाँ पर, मेन एक्टिविटी में, क्योंकि देखिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन एक्टिविटी, राइट। तो मेन एक्टिविटी में अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को करना होगा मेंशन। तो मेंशन करने के लिए हमारे पास जस्ट हमें एक लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर क्लास बनाई है दैट इज़ डेटाबेस क्लास, इसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डेटाबेस, एक वेरिएबल ले लीजिए जी इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, और ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे दिस। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एसक्यूलाइट डेटाबेस क्लास का यूज़ करेंगे, और एक वेरिएबल ले लीजिए लेट सपोज डीबी इज इक्वल्स टू जी डॉट, जो हमने ऊपर डेटाबेस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल जी डॉट, एक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट रीडेबल डेटाबेस। तो अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया।
सबसे पहले तो देखिए मेन एक्टिविटी डॉट हमने सबसे पहले एक फाइल बनाई डेटाबेस डॉट जावा किस फोल्डर में जहाँ पर मेन एक्टिविटी क्लास है, ठीक है। अब देखिए डेटाबेस डॉट जावा क्लास का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ क्या है, कनेक्टिविटी करना आपके एप्लीकेशन की विद द डेटाबेस, दैट इज़ SQLite डेटाबेस। यहाँ पर हमने एक सबसे पहले SQLite ओपन हेल्पर क्लास का यूज़ किया और यहाँ पर हमने क्रिएट किया है एक डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पर दिया है। डेटाबेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था उसमें हमने ये वाले पैरामीटर्स डेटाबेस नल और वन ये पैरामीटर्स पास किए हैं और उसके बाद ऑन क्रिएट फंक्शन है जिसमें कि हमने क्वेरी दी है जिसको हम फायर करना चाहते हैं और फिर एक हमने फंक्शन यूज़ किया है SQL, ठीक। उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास में हमने इस डेटाबेस क्लास के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद फिर उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करके गेट रीडेबल डेटाबेस फंक्शन का यूज़ किया है। तो देखो जब आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा तो ये जाएगा डेटाबेस डॉट जावा क्लास में। नेक्स्ट ये अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो डेटाबेस क्लास है वो एग्जीक्यूट होगी जिसके लिए यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट होगा। उस डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगी यूज़र्स नाम से, ये वाले जो हमने यहाँ पर कॉलम्स मेंशन किए हैं वो क्रिएट होंगे और उसके बाद ये आपकी एग्जीक्यूट SQL जो आपकी जो क्वेरी है ये यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगी और जो आपकी पूरी की पूरी टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज़ गेट रीडेबल डेटाबेस। तो आपके पास एक सिंपल सा डेटाबेस आ जाएगा क्रिएट होके, ठीक है, एम्प्टी डेटाबेस रहेगा। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है एग्जीक्यूट होके। तो मेरा फ़ोन मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है और मैंने इसको किया है यहाँ पर एग्जीक्यूट। सो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अब कि जो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ है मोबाइल में या फिर नहीं, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में नीचे की साइड है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, तो जस्ट क्लिक ऑन इट। तो ये देखिए जो मेरा फ़ोन है उसका जो पूरा का पूरा डेटाबेस है वो चीज़ आ गई है यहाँ पर। इसमें आपको सर्च करना है डेटा नाम का एक फोल्डर, इसमें अगेन डेटा नाम का एक फोल्डर, तो यहाँ पर बहुत सारी पैकेज आ जाएंगे। आपको सर्च करना है जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका पैकेज, तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है db2, देखते हैं ये है हमारे पास form.fms.db2। तो अगर मैं देखिए इसको एक्सपैंड करती हूँ तो डेटाबेसिस का एक ऑप्शन है और इसको एक्सपैंड करती हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया है signup.db। तो यानी कि मेरे पास ये signup.db करके ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल गई है कि यस हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं देखना चाहती हूँ इसे, तो यहाँ से तो आप इसको नहीं देख पाएंगे, तो आपको क्या करना है इसका क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव एज और कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर इसको सेव कर लीजिए। तो मैंने इसको किया अपने डेस्कटॉप पर, इसको सेव कर लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज। तो ये देखिए डेस्कटॉप पर मेरे पास साइनअप के नाम से ये एक जो डेटाबेस फाइल है वो आ गई है। अब ये ओपन तो होगी नहीं ऐसे, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है DB ब्राउज़र SQLite। तो आप क्या करेंगे, जस्ट गूगल पर जाइए, तो फर्स्ट लिंक आपको ये मिलेगा यहाँ पर sqlitebrowser.org के नाम से। यहाँ पर डाउनलोड्स पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है 32-bit है या 64-bit है, तो मेरा सिस्टम 64-bit है तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड किया है और सिंपल उसको इंस्टॉल किया है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से कुछ आइकॉन बन के आएगा DB ब्राउज़र SQLite। तो जस्ट ओपन इट, तो यहाँ पर हम जाएंगे फाइल में ओपन डेटाबेस और हमने डेस्कटॉप पर वाला डेटाबेस सेव किया था दिस वन। तो ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया है, टेबल्स हमारे पास आ गए हैं, यूज़र्स के नाम से हमने वहाँ पर एक टेबल बनाई थी, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेबल रहेंगी वहाँ पर, ये जो हमने क्रिएट की थी यूज़र्स के नाम से, इसको मैं एक्सपैंड करती हूँ तो देखिए मेरे पास फील्ड्स आ गए हैं ID, नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड और इनके यहाँ पर टाइप्स आ गए हैं। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, ये एम्प्टी है। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन की डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि जो डेटा जो टेबल क्रिएट हुई है वो कैसे क्रिएट हुई है हमारे पास। एंड ये DB ब्राउज़र फॉर SQLite सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा यहाँ पे डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं।
सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इस टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट कराएंगे फ्रॉम फ्रंट एंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है SQLite डेटाबेस से तो आप कैसे करेंगे उसको। तो इसके लिए हमने एक साइनअप फॉर्म क्रिएट किया था और उसके लिए हमने वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया था डेटाबेस में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको अब साइनअप फॉर्म के थ्रू डेटा को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में तो वो आप कैसे करवाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोजेक्ट है, वो सेम प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था जिसमें हमने एक डेटाबेस बनाया था, राइट। तो इसमें बस मैंने क्या चेंजेस किए हैं, एक यहाँ पर एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है जो कि आगे आने वाली वीडियोस में भी हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें बस मैंने क्या किया है, नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़र से एंटर करवाया है। अब उसमें वो क्या क्या कर सकता है, देखिए इंसर्ट पे क्लिक करेगा तो डेटा जाके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट करता है और व्यू है, अपडेट है, ये सब फंक्शन हम लोग अब नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। ये इसमें हमारे जो क्रूड ऑपरेशन है डेटाबेस का वो सब हमारे कवर हो जाएंगे। तो क्रूड का सी यानी कि क्रिएशन तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है रीड, ठीक है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंसर्शन आप कैसे कर सकते हो डेटा का इन द डेटाबेस फ्रॉम फ्रंट एंड। तो उसके लिए सिंपल सा ये मैंने एक डिज़ाइन व्यू क्रिएट किया है। तो अगर आपको देखना है कि ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया गया है तो ये यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट ट्री आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने जो जनरली यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है लीनियर लेआउट। तो पूरे पे पहले वर्टिकल लेआउट है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल लगाकर मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो ये इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपको अगर देखना है तो आप एक बार ये कंपोनेंट ट्री को एनालाइज कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब आता है हमारे पास, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, डेटाबेस डॉट जावा में हमारे पास क्या क्या था। देखिए ये हमने साइनअप डॉट डीबी करके डेटाबेस बनाया था। ऑन क्रिएट फंक्शन में हमने एक टेबल क्रिएट की थी यूज़र्स के नाम से, जिसमें हमने एक प्राइमरी की लिया था यानी एक आईडी ली थी, नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट हुआ था ऑन अपग्रेड, जिसमें कि हमने एक और क्वेरी यहाँ पर फायर की, दैट इज़ ड्रॉप टेबल इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट यूज़र्स, यानी कि अगर आप सेम नाम की टेबल डेटाबेस फिर से बनाते हो तो वो ड्रॉप हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में क्या था हमारे पास, हमने यहाँ पर एक डेटाबेस के लिए, ये जो डेटाबेस हमने फाइल बनाई थी डेटाबेस डॉट जावा, उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और उसको रीडेबल डेटाबेस के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस कर रहे थे, राइट। तो अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर राइट करना है डेटाबेस पर, तो हमें अब इस वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने अभी कॉमेंट बना दिया है। तो हमें इनके लिए IDs क्रिएट करनी है, यानी कि हमें इनके लिए फाइंड व्यू ID फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। इस वाले टेक्स्ट फील्ड के लिए ये वाला एडिट टेक्स्ट फील्ड है, ये वाला एडिट टेक्स्ट फील्ड, और चारों बटन्स के लिए ET1, ET2, ET3 एंड चारों बटन्स के लिए मैंने फाइंड व्यू ID यहाँ पर फंक्शन लगा दिया है। सो अब हमें लगाना है B1 पर क्लिक लिसनर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B1.set on क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर, ऑन क्लिक फंक्शन। अब हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि हम क्या चाहते हैं कि जब हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करें तो क्या हो, जो हमारे पास ये वाला डेटा है, जो नेम फील्ड में, यूज़र नेम फील्ड में एंड पासवर्ड फील्ड में जो भी डेटा यूज़र एंटर करेगा वो जाकर कहाँ पर सेव हो जाए, डेटाबेस में, हमें ये चीज़ चाहिए। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो ET1, ET2 एंड ET3 इन तीनों फील्ड्स में यूज़र डेटा एंटर करेगा उनको हम कुछ वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोड लिख लिया है, देखिए नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड नाम के तीन मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, और उनमें ET1 में जो भी टेक्स्ट होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने नेम में सेव करवा लिया है। ऐसे ही ET2 में जो भी डेटा एंटर करेगा यूज़र उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज़र नेम में, और ET3 के फील्ड को भी पासवर्ड में हमने स्टोर करवा लिया है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर बहुत सारी हो सकती हैं, कि सबसे पहले हम लगाते हैं कि इफ़ name dot equals blank, okay, और username dot equals फिर blank, इसके अलावा password dot equals
तो इस केस में हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज दे देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे मेन एक्टिविटी। हमें क्या मैसेज प्रिंट करवाना है कि एंटर ऑल द फील्ड्स कॉमा टोस्ट डॉट शॉर्ट मैसेज डॉट शो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंडीशन हमने लगा दी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी कंडीशंस हो सकती हैं कि आप यूज़र नेम, कि आप नेम के लिए चेक करें कि नेम वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, या फिर पासवर्ड पे आप कुछ लगाना चाहते हैं कि एक कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब चीज़ें, बहुत सारी मीन्स यहाँ पर कंडीशन लग सकती हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप अपने डेटाबेस को, आप अपनी एप्लीकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो ये चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही हूँ हम लोग, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है ये देखना कि हमें अगर डेटा को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में तो हम कैसे करेंगे। बाकी रही सिक्योरिटी वाली बात, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने JDBC पढ़ा था, और इसके अलावा जब हमने पाइथन में ये चीज़ें डेटाबेस पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि अगर आपको अपने पासवर्ड पर इस तरह की कंडीशन लगानी है कि एट कैरेक्टर्स का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर आपको यूज़र नेम चेक करना है, नेम चेक करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, वाली कंडीशंस को यहाँ पर इफेल्स करके लगा देना, बाकी और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन बना रही हूँ। तो नेक्स्ट अब हम लोग लगाएंगे एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू है, सॉरी अगर ये चीज़ हमारे पास है, कोई भी फील्ड जो है ब्लैंक रहता है, तो हम लोग ये वाला जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो भी इन तीनों फील्ड्स में ET1, ET2, ET3 में जो भी डेटा आया था उसको हमें डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। तो अब डेटाबेस में इंसर्ट कराना है तो वाली कोडिंग तो हम कहाँ लिखेंगे, डेटाबेस डॉट जावा में। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, अब पब्लिक वॉइड एक फंक्शन बना लेते हैं इंसर्ट डेटा के नेम से। हमें क्या क्या डेटा इंसर्ट करवाना है, स्ट्रिंग नेम को एंटर करवाना है, एंड यूज़र नेम भी एंटर होना है, एंड पासवर्ड। आप इसके अलावा यहाँ पर जो भी फील्ड्स बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोड मैंने लिख लिया है, तो इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो बुलियन रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया, देखिए पहले तो SQLite डेटाबेस क्लास के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है राइटेबल डेटाबेस में, क्योंकि हमें अब डेटाबेस पर राइट करना है, डेटा को इंसर्ट करवाना है। इसके अलावा एक और क्लास का यहाँ पर यूज़ किया गया है कंटेंट वैल्यूज़ क्लास के लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं यानी कि डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट करवाते हो, तो उस टाइम पर इस कंटेंट वैल्यू क्लास का यूज़ होगा। उसके बाद हमने इस क्लास का यूज़ करके, इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके इन जो भी वैल्यूज़ हैं, नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड की वैल्यूज़ को डेटाबेस में पुट करवाया है यूजिंग पुट फंक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, इस रेफरेंस वेरिएबल के साथ इस फंक्शन का यूज़ किया है हमने, पुट फंक्शन का, जो क्या करेगा इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को जाके आपके डेटाबेस में जाके पुट कर देगा। सो देखिए यहाँ पर जो इंसर्ट डेटा फंक्शन में, यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल्स लिए थे नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये कौन से वाले नेम्स हैं जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किए थे, नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यानी कि जो डेटाबेस में टेबल्स के कॉलम्स बने, टेबल के कॉलम नेम जो हैं वो क्या क्या है, नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर भी ये चीज़ सेम रहेगी, नेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और यही चीज़ सेम हमारे पास आएगी यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले जो पैरामीटर्स हैं वो ये हमारे रहेंगे। ठीक है, जो हमारे डेटाबेस के टेबल के सॉरी कॉलम नेम्स हैं। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ किया है, इनबिल्ट फंक्शन इंसर्ट फंक्शन। तो उसके थ्रू हमने सबसे पहले पैरामीटर्स, इसमें पैरामीटर पास किया हमने टेबल, कौन सी टेबल में आपको डेटा को इंसर्ट करना है, एंड नल कॉलम हैक हमें नेक्स्ट जो है इस टाइम पर नल रखना है, और थर्ड पैरामीटर हमने पास किया यहाँ पर ये कंटेंट वैल्यूज़ का रेफरेंस वेरिएबल। ओके, और DB हमारे पास कहाँ से आया है, ये SQLite डेटाबेस के लिए जो हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल लिया था वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो ये जो रहता है हमारे पास जो इंसर्ट फंक्शन होता है वो हमारे पास हमें रिटर्न करता है -1 वैल्यू या फिर 0 वैल्यू। अगर वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट हो गई है तो उस केस में हमें रिटर्न करता है 0, अदरवाइज़ ये हमें रिटर्न करता है -1। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर इफ़ r=-1 है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इन फॉल्स और ट्रू वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे हम अभी मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास में।
तो गाइज आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन का क्या पर्पज़ है. जस्ट मेन जो है यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम डेटा बेस में टेबल में हम लोग डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में. अब यहाँ पर यूज़ होगा इस इंसर्ट डेटा फंक्शन का. तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे इंसर्ट डेटा. हमें यहाँ पर कौन सा डेटा इंसर्ट करना है जो इन फील्ड्स में आया है. यहाँ पर चलिए हम नेम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर यूज़ होना है. तो इन फील्ड्स में यानी कि नेम वन, यूज़र नेम वन, पासवर्ड वन, जो फील्ड में डेटा आया है उसको हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे. इंसर्ट डेटा हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, नेम वन कॉमा यूज़र नेम वन कॉमा पासवर्ड वन. और इस यूज़र नेम वन अब इंसर्ट डेटा हमें कहाँ पे करना है, जी डॉट में. जी क्या है, जी के लिए देखिए हमने यहाँ पर डेटाबेस क्लास के लिए जो हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये जी वो है जी डॉट. और अब इस वैल्यू को हम असाइन करेंगे किसी बुलियन वेरिएबल में. बुलियन कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, लेट सपोज आई. ओके, बुलियन आई. अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ आई इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है अगर वहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज देंगे. सेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ. ये हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं सक्सेसफुल डेटा इंसर्टेड. और अगर ये रहता है हमारा, अगर ये चीज़ नहीं होती है यानी कि एल्स कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एल्स नॉट सक्सेसफुल. तो ये हमारा अब कोड आई थिंक कंप्लीट हो गया है. बी पर हम बी वन बटन पर यानी कि इंसर्ट बटन पर हमने ये वाला क्लिक लिसनर लगाया है. पहले तीनों फील्ड्स की वैल्यूज़ को हमने तीन वेरिएबल्स में स्टोर किया है एंड उसके बाद वहाँ पर सबसे पहले चेक किया कि अगर कोई भी फील्ड हमारा ब्लैंक रहता है तो हम एक एरर मैसेज दे देंगे. अदरवाइज़ क्या करेंगे, इंसर्ट डेटा फंक्शन का यूज़ करके ये तीनों वैल्यूज़ को हम लोग पास करेंगे. ये वैल्यूज़ पास होकर कहाँ जाएंगे, इस वाले फंक्शन पर. और ये इंसर्ट फंक्शन के थ्रू ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी. और उसके बाद अगर ये जो यहाँ पर वैल्यू आती है, देखो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली आएगी रिटर्न फॉल्स और ट्रू. अगर ये वैल्यू ट्रू जाती है यहाँ से तो यहाँ पर आई में क्या आएगा, ट्रू आएगा. अगर वो फॉल्स जाती है वहाँ से तो आई में फॉल्स आएगा. तो अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम सक्सेसफुल शो हो जाएगा मैसेज, अदरवाइज नॉट सक्सेसफुल. तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. मेरा फ़ोन कनेक्टेड है सिस्टम से, ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है मेरे फ़ोन में. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर यहाँ से ओपन करते हैं एक बार. तो इसमें हमें देखना है, अपने डेटाबेस को चेक करना है. तो हम जाएंगे डेटा में, डेटा में जाएंगे, अभी वाले प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे. ये है हमारे पास DB5. तो अभी देखिए यहाँ पर डेटाबेस के नाम से कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं. तो मैंने दिया दीपाली, यूज़र नेम दीपाली, पासवर्ड भी चलिए दीपाली ही रख लेते हैं. ओके, और उसके बाद मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे, तो मेरे पास टोस्ट मैसेज आ गया है सक्सेसफुल. अब हम लोग चेक करते हैं डेटाबेस को, इसको भी क्लोज कर देते हैं. और इसको मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी DB5 पर, और यहाँ पर ऑप्शन आता है सिंक्रोनाइज का. सिंक्रोनाइज पे क्लिक किया तो देखिए डेटाबेस का मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया है. इसको मैंने एक्सपैंड किया तो signup.db के नाम से यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया है. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है. तो डेस्कटॉप पर ही मैंने इसको किया सेव, मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ. ओके, इसको क्लोज करते हैं. अब हम लोग जाते हैं DB ब्राउज़र पर. में हम जाएंगे ओपन डेटाबेस में. DB ब्राउज़र फॉर SQLite क्या है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. जब हम लोग को SQLite का डेटाबेस टेबल चेक करना होता था तो हम इस
सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो साइनअप डॉट टीवी को मैंने ओपन किया, यहाँ पर यूज़र के नाम से एक टेबल है, इसको मैं ब्राउज टेबल करती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया है। और एंट्रीज करके देखते हैं, दो तीन एंट्रीज करके देखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि वो सारा का सारा डेटा इसमें गया है या नहीं गया है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जस्ट क्या करेंगे, ये जो टोस्ट मैसेज के बाद ना यहाँ पर आप क्या कर देंगे, etone.setText blank। ठीक है, आपको ध्यान है ना जावा में ये चीज़ें कैसे करते थे, आपको एक बार यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। जब हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो जाए तो हमें क्या करना है, etone.setText blank। तो ये जो मेरे पास अभी डेटा लिखा हुआ आ रहा है वो चीज़ नहीं आएगी। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, et2 और et3 के लिए भी कर देंगे। तो मैं अभी इसे फिर से एग्जीक्यूट नहीं कर रही हूँ, टाइम ये लेगा थोड़ा सा, इसी को मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेती हूँ। जैसे मैंने दूसरी वैल्यू ली पराग, यूज़र नेम भी हमने लिया पराग के नाम से, और पासवर्ड हम लोग ले लेते हैं अग्रवाल। और मैंने क्लिक किया इंसर्ट पर, सक्सेसफुल। एक और कुछ वैल्यू ले लेते हैं वाणी, और यूज़र नेम हमने फिर से लिया वाणी, और पासवर्ड हमने लिया वाणी अग्रवाल, और इंसर्ट पर हमने क्लिक किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इस डेटाबेस को करेंगे सिंक्रोनाइज। देखिए यहाँ पर आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि ये सिंक्रोनाइज हुआ है या नहीं। इस टाइम पे आ रहा है 14:56, तो यस ये मेरी वॉच से मैच हो रहा है। अब मैं इसको फिर से करती हूँ सेव, और फिर हम इसको फिर से ओपन करके देखेंगे कहाँ पर, SQLite जो DB ब्राउज़र है उसमें हम ओपन करके देखेंगे। तो ये मैंने सेव कर लिया है, और मैं फिर से ओपन करती हूँ DB ब्राउज़र। इसमें हम जाएंगे ओपन डेटाबेस पर अगेन, डेस्कटॉप, signup.db, यूज़र्स टेबल को ब्राउज करते हैं, और ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया है पराग एंड वाणी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड में SQLite डेटाबेस का यूज़ करके डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं डेटाबेस में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 4 बटन्स बनाए हैं, दिस वन, डिलीट, अपडेट एंड व्यू, ये एक एक करके हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको SQLite डेटाबेस का यूज़ करके एंड्रॉयड में डेटा को इंसर्ट करना है इन डेटाबेस, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको जो डेटा डेटाबेस में इंसर्टेड है उस डेटा को व्यू करना है तो वो आप कैसे व्यू कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें करना है इस बटन पे काम, यानी कि व्यू पर, और व्यू की अगर हम देखते हैं जो आईडी है वो B3 है। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे database.java क्लास में, और हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक फंक्शन, और उस फंक्शन का फिर हम लोग यूज़ करेंगे मेन activity.java में। तो यहाँ पर हम लोग क्लास, एक क्लास का यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ कर्सर क्लास, पब्लिक कर्सर, और एक हम इसका फंक्शन बना लेते हैं, कुछ भी आप एक फंक्शन बना सकते हो, गेट इन्फो या गेट डेटा, इस तरीके से करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। क्या करना है, SQLite डेटाबेस का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। नेक्स्ट अब हम लोग यूज़ करेंगे db.raw query, और यहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या था, यूजर्स, कॉमा, हम लोग पास करेंगे यहाँ पर नल, एंड यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे वैल्यू ऑफ कर्सर। मैं बताती हूँ कि ये हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए कर्सर क्लास क्या होती है, पर एक क्वेरी है ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, यानी कि हम यूज़र्स जो टेबल है उसमें से सारा का सारा डेटा हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेरी का जो डेटा है वो रिटर्न किया जाएगा कहाँ पर, कर्सर क्लास में। अभी डेटा बेस के उसके सारे कॉलम्स के डेटा को रीड करती है रो वाइज। ओके, एंड वो डेटा का सारा रिटर्न कहाँ पर होगा, इस कर्सर वेरिएबल में जो कि हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। यहाँ पर हम लोग को जो लगाना है सेट ऑन क्लिक लिसनर, वो हमें लगाना है इस पर B3 पर। एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं t is equals to g.getInfo। ओके, जो गेट इन्फो फंक्शन हमने बनाया था डेटाबेस डॉट जावा क्लास में, हम लोग यूज़ करेंगे t.getCount फंक्शन का।
इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि टी में हमारे पास जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, सारा का सारा डेटा रो वाइज, कॉलम का जो डेटा है वो रीड करेगा ये कॉलम वाइज। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नो डेटा फाउंड हमारे पास आ जाएगा, अदरवाइज ये वाला कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है स्ट्रिंग बफर क्लास का, जिसके लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और फिर क्या होगा, टी डॉट मूव टू नेक्स्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया है, जो क्या करेगा, रो वाइज डेटा को रीड करेगा। ओके, तो टी डॉट मूव टू नेक्स्ट, तो फर्स्ट रो में जो भी डेटा है तो उसको क्या करेगा, बफर में अपेंड कर देगा, अपेंड फंक्शन का यूज़ किया है। तो नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तीन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तीन कॉलम्स हैं, तो उसको हमने गेट स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू लिया है और अपेंड कर दिए जाते हैं बफर में, और वो वहाँ पर प्रिंट होता जाएगा, राइट। और ये कंडीशन कब तक चलेगी, जितनी भी हमारे पास रोज़ होंगी उतनी बारी हमारा जो वाइल लूप है उतनी बार ये चलेगा। सो ये तो आ गया हमारे पास डेटा, अब बात आती है कि हमें इसको शो कैसे करना है अपनी एप्लीकेशन पर, जो हमें डेटा रीड करना है वो हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग का, तो मैं यहाँ पर कोड कॉपी कर देती हूँ। देखिए अलर्ट डायलॉग बॉक्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसके लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड उसके बाद एक टाइटल सेट कर दिया है कि साइनअप का डेटा यहाँ पर रहेगा। सेट कैंसिलेबल हम किस लिए यूज़ करते हैं इस फंक्शन का, ये मैंने आपको बताया था जब हमने अलर्ट डायलॉग पढ़ा था अपनी इस सीरीज़ में ही, कि अगर आप उस अलर्ट डायलॉग के बाहर क्लिक करते हो तो वो कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, उस ऐप के बाहर आना पड़ता है। ओके, एंड उसके बाद सेट मैसेज हमने कर दिया है, एंड सेट मैसेज में क्या है, हमारे पास जो भी बफर में डेटा रहेगा वो एज अ मैसेज वहाँ पर रहेगा। ओके, एंड उसके बाद जस्ट बिल्डर डॉट शो, जो भी अलर्ट डायलॉग है वो शो हो जाएगा। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो मैं अपने फ़ोन को करती हूँ कनेक्ट अपने सिस्टम से और इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है मेरे फ़ोन में, तो मैं क्लिक करती हूँ व्यू पर, तो ये देखिए मेरे पास अलर्ट डायलॉग आ गया है, बट ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है देखने में, थोड़े से चेंजेस करते हैं। रुकिए, एक तो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है कोलन, सेपरेट नहीं किया है, ये चीज़ आ गई। और इसके अलावा इसको ज़रा कैप्स में कर दें, यूज़र और पासवर्ड। सो यहाँ पर गाइस हम लोग एक गड़बड़ कर रहे हैं, नेम जो है हमारा वो है टेबल में फर्स्ट कॉलम में, एक बार आपको टेबल दिखाती हूँ। सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो नेम जो कॉलम है उसका इंडेक्स है 1, यूज़र नेम का 2 एंड पासवर्ड का 3। तो इसलिए हमें यहाँ पर करने होंगे चेंजेस, नेम हमारे पास कॉलम है 1, यूज़र नेम का है 2 और पासवर्ड का है हमारे पास 3, राइट। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अब सही चलना चाहिए ये। सो गाइस एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, व्यू पर मैं क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, हमारे पास ये चारों एंट्रीज़ आ गई हैं। हमारे पास देखिए डेटाबेस में 4 एंट्रीज़ हैं, तो ये 4 एंट्रीज़ हमारे पास आ गई हैं, बट अभी क्या है यहाँ पर इनके बीच में गैप नहीं आ रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्लैश हम बढ़ा देते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अब डिज़ायर्ड आउटपुट आया है या नहीं आया है। सो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया है और मैंने व्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया है, सारी एंट्रीज़ हमारे पास अलग अलग शो हो रही हैं। ओके, अगर आपके पास इससे ज़्यादा एंट्रीज़ हो जाती हैं तो आपका ये स्क्रॉलर बन जाएगा, जो ये अलर्ट डायलॉग है इसको आप स्क्रॉल कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से आप जो डेटा है डेटाबेस में उसको अलर्ट डायलॉग की फॉर्म में इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट किया हुआ है SQLite डेटाबेस से एंड देन आप कुछ डेटा को अपडेट करना चाहते हैं डेटाबेस में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये सेम प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ही बनाया था, जिसमें हमने डिलीट डेटा फंक्शन बनाया था, राइट। अभी हम लोग को क्या करना है, अपडेट डेटा फंक्शन बनाना है एक, तो हम डेटाबेस डॉट जावा क्लास में जाएंगे और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट डेटा, पब्लिक बुलियन अपडेट डेटा। अब पैरामीटर में हमें जो, देखो हमारे पास 3 डेटा है, नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, राइट। मैं ये चाहती हूँ कि मैं यूज़र नेम, जैसे मैंने दिया दीपाली, कि मुझे दीपाली का यूज़र नेम का नेम और पासवर्ड चेंज करना है, राइट। मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए प्रोग्राम बनाऊँगी। मान लीजिए मैंने यूज़र नेम में एंटर किया कि पराग
यूज़र नेम है तो मुझे उसका नेम और पासवर्ड चेंज करना है. मीन्स मुझे यूज़र नेम एज अ कीवर्ड देना है कि उस पर्टिकुलर यूज़र नेम के लिए मुझे डेटा को अपडेट करना है. ओके, अब आप चाहते हो सिर्फ कि नेम चेंज हो, कि मीन्स मैंने यूज़र नेम दिया यहाँ पर दीपाली, कि दीपाली नाम का जो भी डेटाबेस यूज़र नेम है डेटाबेस में उसका नेम चेंज हो जाए. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. आप चाहो तो दोनों चीज़ें भी ले सकते हो कि नेम और पासवर्ड दोनों चेंज हो जाए. तो देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो देखिए, हम लोग सबसे पहले डेटाबेस डॉट जावा क्लास में ये फंक्शन बना रहे हैं. तो हमें क्योंकि अपडेट करनी है नेम और पासवर्ड, बट हमें यहाँ पे तीनों पैरामीटर्स हमें यहाँ पर देने होंगे क्योंकि हमें यूज़र नेम का भी यूज़ करना है. यूज़र नेम भी हमें एंटर करना होगा ये मेंशन करने के लिए कि हम इस पर्टिकुलर यूज़र नेम का डेटा चेंज करना चाहते हैं. तो हमें तीनों के तीनों पैरामीटर यहाँ पे पास करने होंगे, स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग यूज़र नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड. ओके, समझ में आया आपको कि हमने ये तीनों पैरामीटर्स क्यों पास किए हैं? क्योंकि देखिए, हमें क्या करना है, यूज़र नेम तो एंटर करना है कि हमें इस पर्टिकुलर यूज़र नेम के लिए डेटा को अपडेट करना है, और हमें कौन कौन सा डेटा अपडेट करना है, नेम एंड पासवर्ड. अगर मान लीजिए आपको सिर्फ नेम अपडेट करना होता तो यहाँ पर आपको पासवर्ड वाला ये स्किप कर सकते थे, यहाँ पे इसको अब पास करने की ज़रूरत नहीं थी. ओके, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोड. एसक्यूएल डेटाबेस क्लास के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद गेट राइटेबल डेटाबेस फंक्शन. नेक्स्ट हमने कंटेंट वैल्यूज़ क्लास का यूज़ किया है, जिसका यूज़ हमने किया था इंसर्ट डेटा जब हमने फंक्शन बनाया था वहाँ पर. कंटेंट वैल्यू क्लास का यूज़ बेसिकली कब आपको करना है, जब भी आपको डेटा को इंसर्ट करवाना है, मींस अपडेट या इंसर्ट करवाना है, तो उस केस में आप कंटेंट वैल्यू क्लास का यूज़ करेंगे. क्योंकि इस क्लास का एक फंक्शन होता है पुट फंक्शन, तो इस पुट फंक्शन का हमें यूज़ करना होता है इन ऑर्डर टू इंसर्ट द डेटा, इन ऑर्डर टू यू नो यू कैन से पुट द डेटा इन द टेबल. सो हमें कौन कौन सा डेटा पुट करना है, नेम एंड पासवर्ड. तो इसलिए हमने पुट फंक्शन के साथ नेम और पासवर्ड को यहाँ पे पुट करवाया है. आप चाहते हो कि केवल नेम चेंज हो तो आप पासवर्ड वाला ये स्टेप को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो. ओके, अब हमने कर्सर क्लास का यहाँ पे यूज़ किया है, रॉक क्वेरी फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें हमने क्वेरी पास किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. क्योंकि यूज़र नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हमने क्यों लिया है, जैसे कि हमने डिलीट डेटा फंक्शन में भी किया था कि हम यूज़र नेम के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस यूज़र नेम का जो बाकी डेटा है वो अपडेट करना है. तो कर्सर वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा कोई नंबर, कि बेसिकली तो हमारे पास 1 ही आएगा क्योंकि हमारे पास एक ही यूज़र नेम एग्जिस्ट करेगा ऐसा जिसका हम डेटा अपडेट करना चाहते हैं. यहाँ पर मैंने कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं लगाया है यूज़र नेम के लिए कि यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए. बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि यूज़र नेम यूनिक करने के लिए आपको क्या कोड लिखना है, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी. तो हमारे पास कर्सर वेरिएबल में क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी. तो अगर वो वैल्यू उसका गेट काउंट यानी कि नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स ऐसा डेटा एग्जिस्ट करता है, उस यूज़र नेम से डेटा एग्जिस्ट करता है, राइट. तो हमें वो अपडेट फंक्शन लगाना है. अपडेट अगेन एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें हमने पास किया है टेबल का नाम, सी कंटेंट वैल्यू क्लास का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया था, यूज़र नेम के बेसिस पर हम ये काम कर रहे हैं, और जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग जो यूज़र नेम है उसके लिए जो स्ट्रिंग क्रिएट होगी उसके लिए यहाँ पर हमने बनाया था ऑब्जेक्ट, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी. तो आर में हमारे पास या तो -1 आएगा या 0 आएगा. डेटा अपडेट होगा तब, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, 0. और अगर डेटा अपडेट नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास आएगा -1. तो -1 अगर आता है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेंगे. और अगर ऐसी रो ही एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ऐसा यूज़र नेम ही एग्जिस्ट नहीं करता है जो यूज़र ने एंटर किया है, तो उस केस में भी हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. ओके, ये सेम टू सेम है वैसे तो डिलीट डेटा जो हमने फंक्शन बनाया था लास्ट वीडियो में, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर अपडेट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर चेंज हुआ है. अब इसके रेफरेंस में हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं और एक फंक्शन लिखते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे हम. कौन से बटन पे, B1, B2, B3 का हमारे पास हो गया है, अब हम लोग लगाएंगे B4 पर सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे. सो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, 81, 82 और 83, ये तीनों के तीनों डेटा जो होगा यूज़र एंटर करेगा. 82 तो क्यों एंटर करेगा, कि हमें इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए डेटा को अपडेट करना है, और 81 और 83 वो अपडेट करना चाहता था, तो इसलिए उसने ये वैल्यूज़ दी होंगी. तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इन तीनों वेरिएबल्स में आ गई हैं. उसके बाद अपडेट फंक्शन, अपडेट डेटा फंक्शन पर हमने ये तीनों पैरामीटर्स को पास किया है नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड में. तो अगर डेटा अपडेट होता है तो आई में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा,
तो उस केस में हम लोग सक्सेसफुल प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज हम नॉट सक्सेसफुल प्रिंट करवाएंगे, राइट। तो गाइज आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हम यहाँ पर यूज़र नेम क्यों ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम नहीं लेंगे, राइट, अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम पास नहीं करेंगे, तो ये डेटाबेस डॉट जावा क्लास में यहाँ पर यूज़र नेम कैसे आएगा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर हम कैसे पास कर पाएंगे फिर अगर हम यहाँ पर यूज़र नेम पास नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हमें यूज़र नेम के बेसिस पर डेटा को अपडेट करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपडेट डेटा फंक्शन में इसको एज अ पैरामीटर यूज़ किया है। सो मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया है अपने सिस्टम से और मैं इसे करती हूँ एग्जीक्यूट। सो अभी देखिए मेरे पास डेटाबेस में ये सब एंट्रीज़ हैं यूज़र नेम के लिए, दीपाली, रजतवाणी, रामा, चंदन। तो हम लोग अपडेट करके देखते हैं रामा के लिए, रामा यूज़र नेम के लिए। तो अभी नेम है रामा और पासवर्ड है अग्रवाल, तो मैं इसका यूज़र नेम कर देती हूँ जावा और पासवर्ड कर देती हूँ पाइथन, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। सो मोटो G3 में जाएंगे हम, तो यूज़र नेम हम किसके लिए कर रहे हैं, रामा के लिए। तो नेम मैं चाहती हूँ क्या हो जाए, जावा, और पासवर्ड क्या हो जाए, पाइथन, ओके। और अब हम क्लिक करेंगे किस पर, अपडेट पर, फुल व्यू करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यूज़र नेम रामा के लिए, नेम जावा आ गया है, पासवर्ड पाइथन आ गया है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपडेट कर सकते हो यूजिंग SQLite डेटाबेस इन एंड्रॉयड स्टूडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कनेक्ट किया हुआ है डेटाबेस से, दैट इज SQLite डेटाबेस से, और अब आप उस डेटाबेस से कुछ वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये सेम प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, जिसमें कि हमने डेटा को इंसर्ट करवाया था डेटाबेस में, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस डॉट जावा फाइल में एक फंक्शन बनाएंगे डेटा को डिलीट करने। सो गाइज डेटा को डिलीट करने के हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि दीपाली नाम का जो पर्सन का डेटा है मेरे डेटाबेस में वो डिलीट हो जाए, ठीक। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, नेम जो भी, जैसे दीपाली का डिलीट करना है तो मैं नेम में दीपाली एंटर करूँगी और डिलीट पर क्लिक करूँगी, तो जो डेटाबेस में दीपाली नाम से जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप यूज़र नेम के बेसिस पे भी डिलीट कर सकते हो, कि जिस भी यूज़र नेम, दीपाली जिसका भी यूज़र नेम है उसका डेटा डेटाबेस से डिलीट हो जाए, ठीक। और ऐसे ही पासवर्ड का है, बट पासवर्ड का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। ऐसे अगर आपके पास मान लीजिए और ज़्यादा फील्ड्स होते हैं यहाँ पर, आपके पास फ़ोन नंबर होता तो आप फ़ोन नंबर के बेसिस पे भी डेटा को डिलीट कर सकते थे, एड्रेस के बेसिस पे भी कर सकते थे। बट अगर आप ध्यान दो तो देखो एड्रेस कई लोगों का सेम भी हो सकता है, ओके, और फ़ोन नंबर यूनिक होता है, ठीक है, और यूज़र नेम भी यूनिक होता है। अगर वैसे हमने यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है ऑल्दो, बट अगर आप प्रॉपरली अपना जो डेटाबेस क्रिएट करोगे वहाँ पर आप यूज़र नेम के लिए वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाओगे कि यूज़र नेम यूनिक रहना चाहिए, पासवर्ड में री पासवर्ड भी आप एंटर करवाओगे, राइट। तो हम यूज़र नेम जो होता है वो वेरी स्पेसिफिक है कि यूज़र नेम के बेस पे या फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर के बेसिस पे डेटा को डिलीट करें, कि भाई दीपाली जिसका यूज़र नेम है उसका डेटा डेटाबेस से डिलीट हो जाए, या फिर हमने फ़ोन नंबर एंटर कर दिया कि इस फ़ोन नंबर वाला जो डेटाबेस है मेरे पास वो डिलीट हो जाए, ओके। तो हम जो यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, डिलीट वाला जो मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊँगी, उसमें मैं लेने वाली हूँ यूज़र नेम का किसी के, कि किसी पर्टिकुलर यूज़र नेम हम यहाँ पर एंटर करेंगे, और वाला यूज़र नेम कौन होगा जिसका डेटा हम डेटाबेस से डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं कर देती हूँ क्लोज़ और प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फंक्शन बना रहे थे, तो मैं चाहती हूँ किस बेसिस पर, यूज़र नेम के बेसिस पर, तो मैं यहाँ पर पास करूँगी यूज़र नेम। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, तो देखते हैं इस कोड में क्या हमने लिखा है। सबसे पहले तो SQLite डेटाबेस क्लास के लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है विद गेट राइटेबल डेटाबेस फंक्शन के साथ। ध्यान रखिए चाहे आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, अपडेट, डिलीट या फिर रीड, ठीक है, तो वहाँ पर हम गेट राइटेबल डेटाबेस का यूज़ करेंगे, ओके। रीड में क्या, व्यू वाला फंक्शन, बट अगर आपको जस्ट रीड करना है डेटा को तो उस केस में हमें इस वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट रीडेबल डेटाबेस, ओके। इसके अलावा आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वहाँ पर आपको इस फंक्शन का यूज़ करना है।
सेकंड हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रॉ क्वेरी लगाई है इस डेटाबेस पर कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स, यूजर हमारा टेबल था, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू क्या। अगर आप टेलीफोन नंबर के बेसिस पे डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड जो हमने स्ट्रिंग यानी कि यूजर नेम का, यूजर नेम जो है उसके लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। ओके, और ये जो डेटा जाएगा यहाँ से, जो डेटा रिटर्न होगा वो यहाँ पर हमने कर्सर क्लास का यूज़ किया है। कर्सर क्लास मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कर्सर क्लास क्या होती है, हमें क्या रिटर्न करती है डेटा को, रो वाइज हमें डेटा रिटर्न करती है और कॉलम वाइज वो डेटा को रीड करती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमें डेटा रिटर्न होगा वो किस में आ जाएगा, कर्सर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अब चेक करेंगे कि क्या कर्सर वेरिएबल में जो नंबर ऑफ़ रोज़ आई हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो हैं। इट मींस, व्हाट डज़ दैट मीन, व्हाट डज़ दिस लाइन मींस। मान लीजिए कि मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि पराग नाम का जो डेटा है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाए, यानी कि यूज़र नेम अगर पराग एग्जिस्ट करता है तो डिलीट हो जाए। बट पराग नाम का मान लीजिए कि डेटा डेटाबेस में है ही नहीं, तो उस केस में हमारे पास कर्सर में क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ जाएंगी, ज़ीरो आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कर्सर डॉट गेट काउंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो उस केस में हमें बस रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ओके, बट अगर इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जाती हैं और ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मीन्स कुछ ना कुछ रोज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो उस केस में हम इस डिलीट फंक्शन का यूज़ करेंगे। डिलीट फंक्शन अगेन एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें हमने फर्स्ट पैरामीटर पास किया है टेबल का नाम, सेकेंड पैरामीटर हमने पास किया कि किस पैरामीटर के बेसिस पे, किस कॉलम नेम के बेसिस पे हम लोग चाहते हैं डेटा को डिलीट करना, कॉमा जो स्ट्रिंग है हमारे पास यानी कि जो यूज़र नेम है उसके लिए जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वही हमने यहाँ पर पास किया है। ओके, अब जो डिलीट फंक्शन है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे कि इंसर्ट फंक्शन था, इंसर्ट फंक्शन हमें माइनस वन या ज़ीरो रिटर्न करता है। माइनस वन किस केस में रिटर्न करेगा, अगर कुछ डेटा डिलीट हुआ होगा तो, सॉरी माइनस वन किस केस में रिटर्न करेगा, अगर डेटा कुछ भी डिलीट नहीं होगा तो, और ज़ीरो किस केस में रिटर्न करेगा, अगर कुछ डेटा डिलीट होता है हमारे पास तो, यानी कि ये वाली जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है तब उस केस में हमें ज़ीरो रिटर्न करेगा, अदरवाइज माइनस वन। हमने वही लगाया कि अगर आर इक्वल्स टू माइनस वन है तो फॉल्स रिटर्न हो जाए, अदरवाइज ट्रू रिटर्न होगा। ओके, अब इस इन ट्रू फॉल्स का ये जो रिटर्न हो रही है यहाँ से वैल्यू, उनका हम यूज़ करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। हमें ये जो एक्शन लगाना है वो लगाना है किस पर, B2 पर। ये देखो मेन एक्टिविटी मेन डॉट एग्जीमल में अगर ओपन करती हूँ तो यहाँ पर डिलीट फंक्शन का जो आईडी है वो B2 है। सो यहाँ पर देखिए मैंने कोड लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र नेम के बेसिस पे, क्योंकि हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं तो यूज़र नेम जो था हमारे पास किस टेक्स्ट फील्ड में है, ET2 में है, राइट। तो हमने क्या किया, ET2 का जो भी टेक्स्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने एक यूज़र नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हम लगाएंगे जी, हमारे पास क्या है, जो कि हमने डेटाबेस डॉट जावा क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, जी डॉट डिलीट डेटा फंक्शन, जो कि हमने डेटाबेस डॉट जावा क्लास में ये वाला बनाया है, ये फंक्शन बनाया था हमने, तो वो फंक्शन यूज़ किया है। और यहाँ पर पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, ये वाला यूज़र नेम जो कि ET2 में यूज़र एंटर करेगा। अब ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स, राइट। ट्रू किस केस में रिटर्न करेगा, अगर डेटा कुछ डिलीट हुआ होगा तो, राइट। मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर डेटाबेस डॉट जावा क्लास में जब हमने फंक्शन बनाया था तो अगर आई में हमारे पास ट्रू आता है, यानी कि इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो हमने एक टोस्ट मैसेज किया है जिसमें हमने प्रिंट करवाया है सक्सेसफुल, और अगर आई में हमारे पास आता है फॉल्स तो हमने यहाँ पर कर दिया नॉट सक्सेसफुल। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा चलता है या नहीं। तो मेरा फ़ोन मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, मैं इसको करती हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देखिए एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में एग्जीक्यूट हो गई है। हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले यहाँ पर हम लोग जाते हैं डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में और डेटाबेस को सेव करते हैं और देखते हैं पहले कि हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज हैं, और उसके बाद फिर हम इसे डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। ओके, तो मैं DB ब्राउज़र ओपन करती हूँ। गाइज, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप डेटाबेस को डाउनलोड करते हो ना तो DB ब्राउज़र को क्लोज़ कर देना, हमेशा DB ब्राउज़र को फिर से ओपन करना, क्योंकि फिर क्या होता है, फाइल में गड़बड़ आती है, मीन डेटा ना अपडेट नहीं हो पाता है। ओके, तो ब्राउज टेबल किया मैंने, तो ये मेरे पास तीन एंट्रीज हैं, दीपाली, रजत, राम। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और इसमें कुछ हम एंट्रीज और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने किया वाणी अग्रवाल। ओके, तो मैंने इंसर्ट किया डेटा, तो ये मेरे पास डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम डिलीट करते हैं डेटा को, तो हमारे पास कौन कौन से थे,
डेटा में हमारे पास राम था यूज़र नेम और रजत था, तो राम को हम डिलीट करके देखते हैं। तो मैंने राम लिखा यहाँ पर यूज़र नेम में और डिलीट पर क्लिक किया, तो देखिए मेरे पास सक्सेसफुल आ गया है। अब कुछ रैंडम हम यहाँ पर डाल के देखते हैं और देखते हैं वो डिलीट होता है या नहीं। तो मैंने कुछ रैंडम यूज़र नेम डाला है, डिलीट पर क्लिक किया, तो देखिए मेरे पास मैसेज आ गया है नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेटाबेस में, राइट। तो अब मैं इसको फिर से फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगी और पहले इसको हम करेंगे क्या, सिंक्रोनाइज, और अब हम करेंगे इसको फिर से डाउनलोड। डीबी ब्राउजर को फिर से ओपन करेंगे, ओपन डेटाबेस। तो हमने राम को डिलीट किया था, राइट, ब्राउज टेबल, तो राम हमारे पास नहीं है, और वाणी को हमने इंसर्ट किया था तो वाणी यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम के बेसिस पे डेटा को डिलीट कर सकते हो अपने डेटाबेस में से। इसके अलावा आप कोई और भी कॉलम्स लेते हो तो उन कॉलम्स के बेसिस पे आप डिलीट कर सकते हो। बस ध्यान रखना है आपको कि आप ऐसा कॉलम नेम चूज़ करो जिसके बेसिस पे डेटा को डिलीट कर रहे हो कि वो यूनिक हो। ओके गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस सीरीज, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू, गुड लक।